तो दोस्तों क्या आप भी बनाना चाहते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर इस तरीके की एक पेंसिल की डिजाइन? तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, और वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाली कंप्यूटर की अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर एक पेंसिल की डिजाइन बनाना, तो दोस्तों किस तरीके से। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे कोरल ड्रॉ 12 को ओपन कर रहे हैं। आपके पास दोस्तों कोरल ड्रॉ का कोई भी वर्जन हो आप दोस्तों सभी बना सकते हैं। पेज को हम दोस्तों थोड़ा सा पहले साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें पेंसिल बनाने के लिए एक चाहिए रेक्टेंगल, तो हम यहाँ पे एक दोस्तों इस तरीके से एक पतली रेक्टेंगल बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसकी एक पीछे की तरफ एक छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे इसी की सीध में, और इसी तरीके से दोस्तों हम इसके आगे की तरफ एक छोटा रेक्टेंगल बना लेंगे लेकिन पीछे वाले से थोड़ा सा लंबा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जूम ले लेंगे और इसको दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पूरे हिस्से को। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे दोस्तों पॉइंट बनाना है और हमें दोस्तों यहाँ पेंसिल को छिली हुई दिखाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ से आप देख रहे हैं रेक्टेंगल हमारा सेलेक्ट है। ऊपर आप देखेंगे तो दोस्तों आपके सामने एक पॉइंट आएगा कन्वर्ट टू कर्व। इसके लिए आप डायरेक्टली दोस्तों कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू भी दबा सकते हैं, तो हमने दोस्तों इस पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसके चारों के चारों पॉइंट हमारे अलग अलग हो चुके हैं। अब हम दोस्तों इसके किसी भी एक पॉइंट पर डबल क्लिक करेंगे और इसके पॉइंट को इस तरीके से हटा देंगे। अब ये जो पॉइंट आ रहा है इसको दोस्तों हम अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेंगे जितनी हमें पेंसिल के नुक को यहाँ पर रखनी है। तो हमने दोस्तों इसको इतना रख लिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके अब पीछे की तरफ चलते हैं दोस्तों, इसको यहाँ सरका के या दोस्तों थोड़ी सी इसकी जूम को कम कर लेते हैं। अब इसके बीच में हम दोस्तों एक रेक्टेंगल डालते हैं और इस रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके सेट करेंगे जैसे कि हमारी पेंसिल के बीच में लाइनें होती हैं। इसके दोस्तों इसके लास्ट वाले हिस्से को हम यहाँ से जूम कर लेते हैं। अब दोस्तों पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा गोलाई पर होता है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल क्यू से इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। इसके किसी पॉइंट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों ऊपर तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं दोस्तों पॉइंट इसके ऊपर की तरफ आए हैं। हमें ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए इधर की तरफ। तो हम दोस्तों नीचे वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर से कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ से इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, यानी बीच में से क्लिक दबा के इसको गोल घुमा देंगे। अब दोस्तों यहाँ से क्लिक करके हम इसमें डालेंगे ब्लैक कलर। अब दोस्तों इसके साइज़ को एक्चुअल करने के लिए आप कीबोर्ड से F4 भी दबा सकते हैं, तो इसका साइज एक्चुअल आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों हमने रेड कलर देना है, हमने रेड कलर दे दिया। ऊपर वाले पे क्लिक किया दोस्तों, हमने यहाँ से इसमें ब्लैक कलर दे दिया। तो इस तरीके से एक पेंसिल की डिज़ाइन हमारे सामने बन गई। अब दोस्तों ये जो इसकी नुक वाला हिस्सा आ रहा है इसको हम दोस्तों यहाँ से कोई भी एक येलो डार्क सा कलर दे देंगे जो हम देना चाहें। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको पेंसिल को हमें छिली हुई बनाना है। तो दोस्तों पेंसिल को छिली हुई बनाने के लिए ऊपर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारे पास एक टूल्स आएगा शेप टूल्स। इसके पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आएगा नाइफ टूल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसकी लाइन पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे जितना हिस्सा हमें छिला हुआ दिखाना है, और इसको नीचे वाली लाइन पर लगा के थोड़ी देर के लिए हाथ को रोक लेंगे और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा ऑटोमेटिक, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों फिर से आपको इस पर क्लिक करके शेप टूल्स को ले लेना है, फिर से इसके पॉइंट पर रखेंगे। यहाँ से दोस्तों इसके पॉइंट पर जाएंगे और इसको दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई में घुमा देंगे कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसकी आगे की नुक आ रही है, इसमें आप ब्लैक कलर डाल देंगे, F4 दबाएंगे कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे दोस्तों किस तरीके से हमारे सामने एक पेंसिल बन के आ गई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल जब छीलते हैं तो थोड़ी सी इसमें अलग हिस्सा दिखता है छिला हुआ, हमें दोस्तों यहाँ पर छिले हुए हिस्से को बनाना है। तो हम यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे थोड़ा सा, तो इसको हम सर्किल को दोस्तों यहाँ पर सेट कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमें इसमें जितने भी कट दिखाने हैं उतने के हिसाब से। तो हमने कहा कि हमने यहाँ पे एक कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल बी करके इसकी दूसरी कॉपी लगा दी, और ऐसे ही दोस्तों कंट्रोल सी और वी करके हमने दोस्तों इस पर तीसरी कॉपी लगा दी। तो हमने दोस्तों इस पर तीन कॉपियों को ले लिया, इस तरीके से तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको इस तरीके सेट करेंगे कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका बाहर की तरफ निकला हुआ दिखे हमें। तो हमने इस तरीके से दोस्तों इनको सेट कर लिया। अब दोस्तों इन तीनों सर्किलों को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कुछ इस तरीके से। इनमें दोस्तों फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे जिस पे लिख रहा है बिल्ड, तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो हमारा एरिया था वो तीनों के तीनों हमारी शेप जो है वो एक हो गए तीनों सर्किल। मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूँ। अब दोस्तों हमने इसको बिल्ड कर दिया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे यानी ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला और ये सर्किल वाला हिस्सा, इन दोनों को सिलेक्ट करना है हमें एक ही बार में। तो हम कुछ इस तरीके सेलेक्ट करेंगे कि ये दोनों ही आए इसके अंदर और कुछ ना आए। तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर दोस्तों आपके सामने ये टूल्स आ रहे हैं, इसमें देखिए थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास इंटरसेट, इस पर हम क्लिक कर देंगे एक बार। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी ये शेप है जिसकी एक और शेप बन जाएगी इसके अंदर की तरफ। तो हम दोस्तों इस ऊपर वाली शेप को कर देंगे डिलीट। अब दोस्तों ये जो हमारे पास शेप बन गई है इसके अंदर कोई भी हम डिफरेंट कलर यहाँ पर ऐड कर देंगे,
जिससे कि हमारी पेंसिल यहाँ पर छिली हुई सी लगे। और एल्ट एफ फोर करके हम दोस्तों यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से एक पेंसिल हमारे पास आ जाएगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस पर कोई नाम लिखना है दोस्तों, कलर आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों मुझे पेंसिल के ऊपर कोई नाम लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी नाम। हमने यहाँ पर दोस्तों नाम दे दिया नटराज एस्टा डार्क। इसके बाद दोस्तों हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से दोस्तों हम कोई भी एक फॉन्ट की स्टाइल ले लेंगे जो हमें दोस्तों अच्छी लगे, लेकिन दोस्तों फॉन्ट थोड़ा गहरा दिखे इस तरीके से, तो मैं ये ले लेता हूँ। इसको दोस्तों हम उठाएंगे और दोस्तों जो इसकी ब्लैक पट्टी है इस पर ला कर सेट कर देंगे। इसमें वाइट या ब्लैक कोई भी एक कलर आप रखेंगे। इसको जूम कर लेते हैं और इसको हम इस ब्लैक पट्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों सेट कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और F4 दबा देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इस तरीके से हमारे पास एक कोरल ड्रॉ के अंदर दोस्तों एक पेंसिल की डिज़ाइन आप दोस्तों ईजिली बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर एक पेंसिल डिज़ाइन बना सकते हैं।